हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। क्लास फाइव से एक क्वेश्चन लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए डेसिमल बाय अनदर डेसिमल। क्वेश्चन है 0.4 को 0.6 से मल्टीप्लाई करना है, इसे डेसिमल नंबर ही कहते हैं। इसे इस तरह हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम इसे फ्रैक्शंस में चेंज करेंगे। डेसिमल 4 को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 4/10 होगा, और डेसिमल 6 को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 6/10 होगा। अब हम 4 से 6 को मल्टीप्लाई करेंगे और 10 को 10 से। फोर को सिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 होगा, और 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 होगा। अब 24/100 को डेसिमल में चेंज कर देंगे। डेसिमल में चेंज करने के लिए 24 को 100 से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के बाद डेसिमल 24 आंसर प्राप्त होता है। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, डेसिमल 25 को डेसिमल 3 से मल्टीप्लाई करना है, इसे भी हम इसी तरह सॉल्व करेंगे। सबसे पहले फ्रैक्शंस में चेंज करेंगे, डेसिमल 25 को फ्रैक्शंस में चेंज करेंगे तो 25/100 होगा, क्योंकि पॉइंट के बाद दो डिजिट है इसलिए यहाँ 100 हो जाएगा। डेसिमल 3 को फ्रैक्शंस में चेंज करेंगे तो 3/10 होगा, क्योंकि पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो यहाँ 10 होगा। अब 25 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 100 को 10 से। को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 होगा, और 100 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 होगा। अब इसे डेसिमल में चेंज कर देंगे। डेसिमल में चेंज करने के लिए 75 को 1000 से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के बाद डेसिमल 0.75 आंसर प्राप्त होगा। फ्रेंड्स, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।